नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रत्यर्पण संधि के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रत्यर्पण संधि होती है वह क्या होती है और भारत की जो संधि है प्रत्यर्पण ये किन किन देशों के साथ में है और इस संधि के अंतर्गत क्या क्या होता है। दोस्तों इस संधि से संबंधित सारी बातों को आज की वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों एक देश का दूसरे देश के साथ कई प्रकार के समझौते किए जाते हैं, इन समझौतों को ही संधि कहा जाता है और इन संधियों में ही एक प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण का अर्थ वापस करना या लौटाना होता है। इस संधि की आवश्यकता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश भाग जाता है और इस संधि के तहत उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि जब होती है किसी भी देश के साथ, तो वो अगला देश उस अपराधी को दूसरे देश को पकड़ कर संबंधित यानी देश को सौंप देता है जिस देश से ये प्रत्यर्पण संधि उसने कर रखी है। इसके लिए कई प्रकार के नियमों और कानूनों का ध्यान रखा जाता है और इसी के मुताबिक अपराधी को वापस लौटाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रत्यर्पण संबंधित सारी जो संधि है प्रत्यर्पण, इससे संबंधित सारी जानकारी को आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम प्रत्यर्पण संधि के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रत्यर्पण संधि क्या होती है, तो दोस्तों कोई भी अपराधी देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में भाग जाता है तो भाग जाने पर उस अपराधी को पकड़कर वापस करना ही प्रत्यर्पण संधि कहलाता है। प्रत्यर्पण संधि करते समय देश अपने अपने यहाँ के कानून का पूरा ध्यान रखते हैं। संधि करने से पहले उस देश की संसद द्वारा प्रत्यर्पण संधि के बिल को पास किया जाता है जिसके बाद ही ये संधि लागू हो सकती है। दोस्तों अगर हम प्रत्यर्पण का अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रत्यर्पण का अर्थ वापस करना या लौटाना है। इस शब्द का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जब किसी कोई वस्तु या व्यक्ति मिलता है किसी भी, और पाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति का वास्तविक मालिक नहीं होता है, तो उस वस्तु या व्यक्ति को वास्तविक मालिक को वापस करना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। दोस्तों जब प्रत्यर्पण संधि होती है, इस हिसाब से जब कोई भी अपराधी उस अपने देश में अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो वहाँ से वो अगला देश उसको पकड़कर अपने देश को सौंप देता है। दोस्तों ये सभी पे लागू नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है जिनके मध्य समझौता हो रखा है। दोस्तों जब भी आपने देखा होगा कि भारत से या कहीं से भी जब भी कोई अपराध करके भागता है तो अधिकांश विदेशों में भाग जाते हैं और विदेशों में जहाँ भागते हैं वो लंदन भाग जाते हैं। दोस्तों लंदन या इंग्लैंड में क्या होता है कि जब उन्होंने कह रखा है इस संधि के तहत कि हम एक तो जो मिलिट्री लीडर्स होंगे उनका प्रत्यर्पण या वापस नहीं करेंगे और एक जो पॉलिटिशियन जो लीडर होते हैं उनका वो वापस नहीं करेंगे या उनका प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। दोस्तों इनके प्रत्यर्पण संधि के वक्त जो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो जैसे कि जिस क्राइम को वो करके आया है वो दोनों देशों में जो वो अपराधी की यानी क्राइम की श्रेणी में आना चाहिए, वो काम जिस काम को करके आया है। अगर वो उस देश में जहाँ आया वहाँ पर क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है और वो अगला देश करता भी नहीं है उसका प्रत्यर्पण। मतलब कि जो काम या जो क्राइम वो करके आया है वो दोनों देशों में अपराधियों की श्रेणी में उसमें आना चाहिए, तभी अगला देश जो है वो उसको प्रत्यर्पण करेगा। दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक 47 देशों के साथ में प्रत्यर्पण संधियाँ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, अमेरिका, बहरीन, बांग्लादेश, बल्गारिया, कनाडा, इंडोनेशिया जैसे बहुत सारे देश हैं जो इन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोस्तों भारत सरकार अधिक से अधिक देशों के साथ इस संधि की मतलब हस्ताक्षर करना चाहती है, इस संधि को मतलब करना चाहती है 200 देशों के साथ में, जिससे कोई भी भगोड़ा या आपराधिक कानून के शिकंजे से ना बच सके। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पर प्रत्यर्पण संधि से संबंधित सारी बातें आपको बता दी है। यदि इस जानकारी संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।